भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। आदिम जाति विकास मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, वन मंत्री मोहम्मद अकबर और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत समिति के सदस्य बनाए गए हैं। ये समिति भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों के द्वारा किसानों को नगद सहायता देने से संबंधित योजनाओं का परीक्षण करके और सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करके एक महीने में अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में किसानों से अब तक 32.63 लाख मैट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है। गत दिनों प्रदेश में कुछ हिस्सों में आकस्मिक बारिश की स्थिति उत्पन्न हुई है, क्योंकि भारत सरकार के हरधर्मिता के कारण से हम सीधा 2500 रुपये में नहीं खरीदी कर पा रहे हैं, समर्थन मूल्य में ही खरीदी हो रही है। तो जो अंतर की राशि है वो दूसरी किसी योजना के माध्यम से किसानों को उसका लाभ देंगे, इसके लिए समिति हमने बनाई है। रविंद्र चौबे जी हैं उसमें, अमरजीत भगत जी हैं, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम हैं, अकबर जी हैं और उमेश पटेल जी, पांच मंत्री उप समिति बनी है। विकास लक्ष्य में छत्तीसगढ़ प्रदेश